अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शौकत करस्पॉन्डेंट एमएस मिशन हाई स्कूल। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2008 में मैंने ये मिशन शुरू किया था इस हसन नगर जैसे इलाके में, जो आज जो छोटा सा नन्हा दरख्त था 15 साल में आज बहुत बड़ा दरख्त हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कई सैकड़ों बच्चे हमारे पास तालीम हासिल कर रहे हैं और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस 50 साल पुरानी आबादी में आज तक एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है हमारे पास। जब कभी कोई इमरजेंसी आती, कोई बीमार होता, तो हमें या तो किसी दूसरे इलाके में जाना पड़ता, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। जो अल्लाह के बड़े फजल करम से इस जैसे इलाके में भी पहली बार हमारे 3 बच्चों को फ्री डॉक्टर की एमबीबीएस की सीट मिली है और वो इंशाल्लाह ताला बहुत करीब पहले हसन नगर के एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। और दूसरी बात, इस इलाके में स्कूल चलाने का मेरा मकसद ये है कि मैं इसी इलाके से पला बड़ा हूँ और मुझे मालूम है कि फीस क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है। तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्कूल यहाँ पर डालने का फैसला किया। जो हमारा मिशन है कि पैसा पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए। हम डे वन से बच्चों को यही सिखाते हैं कि पैसा पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए। तो जिसके तहत जो बच्चे गुर्बत में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, तो हम स्पेशली फोकस उन्हीं बच्चों को करते हैं। जनरली स्कूल में ये कहा जाता है कि आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पैसे वाले हैं, तो उन उसी प्रायोरिटी पे जो है ना एडमिशन दिया जाता है। लेकिन मेरे पास प्रायोरिटी ये होती है कि वो बच्चे के पास पढ़ने की सलाहियत कितनी है, तो हम उन बच्चों को एडमिट करते हैं। और माशाल्लाह से डॉक्टर्स भी बन के निकले हैं, कई इंजीनियर्स बन के निकले हैं और बहुत सारे अलग अलग फील्ड में वो सेटल हो चुके हैं। तो ये जो हमारा मिशन है, वो मिशन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाब तो नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। अभी हमने सिर्फ 15 साल मुकम्मल किए, अभी बहुत दूर जाना है और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह जब तक सेहत देगा हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे यहाँ से पढ़ के जाने वाले बच्चे भी आगे इस मिशन को आगे बढ़ाएँ। शुक्रिया। सर, आपसे एक क्वेश्चन है सर, अगर कोई गरीब गुरबा लोग होते हैं जिसके पास फीस वगैरह देने के लिए कोई उनकी सकत होती है, उनके लिए क्या कर सकते? जी, मैंने अभी बताया कि मैं पैसा पढ़ाई के बीच में नहीं आना, यही मेरा मिशन है। तो हम ऐसे बच्चों को ढूंढ के निकालते हैं, आते नहीं, हम जाके ढूंढ के निकालते हैं ऐसे बच्चों को कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, पैसे की वजह से या तो किसी अरे गहरे छोटे मोटे स्कूल में पढ़ ले चले आते हैं और एंड 8th क्लास 9th क्लास तक पढ़ने के बाद फिर वो जो पेरेंट्स होते हैं उनको पढ़ाई की अहमियत नहीं है, उनको ले आके काम पे डाल देते हैं। तो उन बच्चों को फोकस करता हूँ, उन बच्चों को मैं टारगेट करता हूँ, 8th 9th में काम पे से उठा के लाता हूँ उनको और पढ़ाई करके 10th क्लास एटलीस्ट दे हैव टू स्टडी 10th क्लास। थैंक यू स्कूल की तरफ से एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम इनका किया गया है। अब मैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया गया था इस प्रोग्राम में। मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए यहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट और जिसकी सदारत जिसके अंडर में ये प्रोग्राम हुआ है, डॉक्टर मोहम्मद शौकत साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रियली इट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, दे परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड आई सॉ द पैशन एंड विजन इन देयर आईज। सो आई रियली वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट टू द पेरेंट्स एंड टू द स्टूडेंट्स, दोज हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल टूडे इन द प्रोग्राम। So I feel that as a motivation speaker, I want to say that students and every youth should come forward. You know, once they have, everyone, Allah has given the talent to each and every human being. It is all about us to identify the talent and then take it serious and do something extraordinary in the life. So nothing is impossible in the life. Everything is possible. And when we take it in a positive attitude, it can achieve and it can bring wonders, and that's what I have seen in this area. Such a great performance by students, really amazing, and I'm feeling that they have the bright future and they have the vision and they want to achieve something. So with this I conclude my words and I want to thank media for taking my words, and thank you so much. Thank you media. Thank you. School main takriban 15 saal se janta hu aur shayad main samajhta hu ye 8th ya 7th annual day hai। मैं हर एनुअल डे को आता हूँ और जब मैं एक एज ए दोस्त के ज़रिए आता था, आज मेरा प्रमोशन यानी
WHRPC की तरफ से नेशनल प्रेसिडेंट हूँ मैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से। इसकी वजूहत भी हमारे शौकत सारी हैं, जो स्कूल प्रिंसिपल स्कूल की तालीम के साथ साथ मेरे को भी दोस्ताने में एज ए फ्रेंड के तौर पर इस नॉलेज के लिए, इस तालीम के लिए मेरे को थोड़ा सा इंक्रेज करते थे। इनके साथ ही मैं रहकर इस मुकाम पे मैं भी रहूँ। ये एनुअल डे जो हर साल करते हैं, हर साल प्लस 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 होते हुए इंक्रीज करते हैं प्रोग्राम को, और बहुत हार्ड वर्क करते हैं शौकत सर। जब मैं 10-15 साल पहले जब इनका स्कूल था, तो जब एक छोटा सा एक 2 रूम का 3 रूम का एक स्कूल था, जब स्टूडेंट थे शायद मैं समझता हूँ 25-50 स्टूडेंट थे, जब मैं बोलता था उनको अरे क्या सर आप ये गाँव में स्कूल है, बल्कि उनके पास रिलायंस फोन या कुछ था 10 साल पहले या 6-8 साल पहले, तो नेटवर्क नहीं रहता था, तो वो नेटवर्क के साथ ही बोलता था क्या सर आप ये यहाँ पर क्या स्कूल को क्या चलाएंगे आप, कैसा करेंगे। लेकिन आज हमको ये पता चला कि बल्कि मैं खुद उनको इतराता था ये एरिया में आपका स्कूल है बोल के, लेकिन आज मेरे को वो नौबत आई कि ये स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत ग्रेट बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं शौकत सर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आगे इनो और तरक्की करें मेरी तरफ से, और मेरी दुआ है इनको। नेशनल पुलिस अकेडमी के ही हम लोग, तो पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहता हम लोग के पास, तो हमेशा से इस टाइप के प्रोग्राम हसीना और शमीम करवाया करते थे, तो एक की शादी हो गई और दूसरे यहाँ से शिफ्ट हो गए हम लोग गढ़पा, फिर भी स्पेशली आज वो ये प्रोग्राम देखने के सो थैंक यू वेरी मच हसीना, बिकॉज आई थिंक दिस इज थर्ड प्रोग्राम। Please put your hands together.